वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉपी पेस्ट करने के मतलब जो वीबीए में कॉपी पेस्ट करते हैं उसका एक मतलब आपको एग्जांपल बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। वैसे मेरे आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें भी मैंने कॉपी पेस्ट के जो तरीके होते हैं उसके बारे में बताया है। लेकिन मेरे पास एक कमेंट आया था कि इसमें लिखा था कि मुझे दो कॉलम को एक ही कॉलम में पेस्ट कैसे करना है वीबीए के थ्रू। मतलब ये भीमानी करुणाल मतलब इनका एक मतलब मेरे पे कमेंट आया था, तो इनकी क्वेरी ये थी कि लेट सपोज कि हमारे पास दो कॉलम हैं, हमारे पास अगर डेटा है, अगर हम इस डेटा में से इन दो कॉलम को या सपोज तीन चार जितने भी कॉलम हैं अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में पेस्ट करने हैं तो हम वो कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इस वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको यही बताऊँगा कि किस तरीके से आप दो कॉलम के डेटा को एक ही कॉलम में पेस्ट कर सकते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ क्वेरी, मुझे सी कॉलम का डेटा और डी कॉलम का डेटा दोनों के दोनों इस वाले कॉलम में मुझे पेस्ट करने हैं, राइट। तो इसके लिए पहले मैं सबसे पहले अपना वीबीए एडिटर को ओपन कर लूँगा और इसमें एक अपने प्रोजेक्ट को इंसर्ट कर दूँगा मॉड्यूल, और इसमें मुझे अपना कोड लिखना होगा, राइट। मुझे करना है एम टू पे पेस्ट करना है, मतलब पहले ये डेटा करना है, इसके नीचे मुझे ये वाला डेटा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब कॉपी पेस्ट क्वेरी, क्यू लिख देते हैं, राइट। तो सबसे पहले जब भी मुझे कोई भी डेटा को मुझे पेस्ट करना होगा तो उसके पहले मुझे अब उस डेटा को देखना पड़ेगा, मतलब चेक करना पड़ेगा कि डेटा किस तरीके से आ रहा है मेरा डेटा। अगर मेरा डेटा इस तरीके से आ रहा है, इसमें कोई भी बीच में ब्लैंक कॉलम नहीं है और मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा मुझे पेस्ट करना है, फिर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा पेस्ट करना है उसके नीचे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा रेंज। पहले मुझे कौन सा कॉपी करवाना है, पहले मुझे सी करवाना है, देन मुझे डी करवाना है। ये आपको खुद ही मतलब अपने डेटा के अकॉर्डिंगली अपने आप को मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपको मतलब देखना पड़ेगा कि कैसा मेरे पास डेटा आ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आपको पहले आप कौन सा कॉलम पेस्ट करवाना चाहते हैं, बाद में कौन सा कॉलम पेस्ट करवाना चाह रहे हैं। तो पहले मैं सी कॉलम के डेटा को एम कॉलम में पेस्ट करूँगा इस तरीके से, और उसके बाद इस वाले डेटा को इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। तो मतलब क्वेरी बेसिकली यही थी मैं कि किस तरीके से वीबीए के थ्रू इस तरह से पेस्ट किया जा सके, राइट। तो इसके लिए मैं अपने वीबीए एडिटर को ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। तो पहले मुझे सी कॉलम को पेस्ट कराना है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर रेंज, मुझे सी टू से पेस्ट करवाना है, मुझे हेडर नहीं चाहिए, राइट। मैं लिखूँगा रेंज सी टू डॉट सिलेक्ट, जब ये मेरा रेंज सी टू डॉट सिलेक्ट हो जाएगा, जब अगर अपने कीबोर्ड के थ्रू करते हैं हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करते हैं और इसके बाद मेरा ये डेटा सिलेक्ट हो जाता है, तो मुझे यही वाला मेथड फॉलो करना है। तो मुझे लिखना है यहाँ पे रेंज, क्योंकि मेरा सी टू ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिलेक्शन देन कॉमा सिलेक्शन कॉमा डॉट एंड एक्सेल डाउन, क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम एक्सेल डाउन लिखेंगे यहाँ पर, फिर दो ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, देन डॉट सिलेक्ट। तो अगर आप मैं इसे रन कराता हूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरा डेटा सिलेक्ट हो गया है, राइट। अगर मैं सिलेक्ट के बदले यहाँ पे डॉट कॉपी भी कर देता हूँ तो मेरा डेटा कॉपी हो जाएगा। अब इसे रन करवा के देखते हैं, ये मेरा कॉपी हो गया और मुझे यहाँ पे करना है एम टू पे पेस्ट करना है उसे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज एम टू डॉट पेस्ट स्पेशल, राइट। और इसे मैं रन करा के देखते हैं तो आप देखेंगे मेरा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब मुझे डी टू से लेके डी फोर्टीन तक का डेटा मुझे पेस्ट कराना है इसके नीचे, राइट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फिर मुझे यही वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा, रेंज सी टू सॉरी डी टू डॉट सिलेक्ट
सिलेक्ट करने के बाद मैं यही वाला जो सिलेक्शन वाला मेथड इसे यूज कर लेंगे, सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन, क्योंकि मैं डाउन में लेके आ रहा हूँ उसे एक्सेल डाउन। अगर आपको ये वाली पर्टिकुलर कोडिंग समझ नहीं आ रही तो इसे याद भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल होगी अगर आप इसे यूज़ करेंगे। जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे तो इसका आपको समझ में भी आने लग जाएगा कि बेसिकली ये काम कैसे करती है, राइट। ये बेसिकली क्या करती है, ये वाला काम करती है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से ये पूरा सिलेक्ट कर देती है, राइट। देन इसे भी हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद मुझे पेस्ट करना है इस वाली सेल पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रेंज M2 M2 M1 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे M2 डॉट, क्योंकि मुझे पता है मेरा यहाँ पे डेटा है M2 डॉट एंड एक्सेल डाउन, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं 10 ऑफसेट। ऑफसेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऑफसेट में क्या पैरामीटर्स होते हैं हमारे, ऑफसेट क्या होते हैं हमारा रो एंड कॉलम, मतलब रो हमारा तो यही रहेगा, तो एक रो नीचे आएगा तो हम एक रो नीचे कर देंगे, और कॉलम हमारा चेंज नहीं होगा तो हम इसे ज़ीरो रखेंगे, मतलब ऐसे आएगा। अब मैंने एक रो डाउन किया तो यहाँ पे आएगा, कॉलम मेरा ज़ीरो है तो इसी पे रहेगा वो 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, राइट। तो हम इसे रन करा के देखते हैं, यहाँ पे रखते हैं इस कोड को, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ जिससे कि कोड और दोनों को देखने में आसानी हो। तो हम इसे रन करेंगे F8 डिबग मोड में। तो पहले ये C2 में गया, C2 में जाने के बाद इसने नीचे की तरफ ड्रॉप किया और इसे कॉपी कर दिया सिलेक्शन को, फिर ये M2 पे गया, इसने पेस्ट कर दिया, राइट। फिर हमें पता है कि हमें दूसरे कॉलम के इसके नीचे पेस्ट करना है, तो D2 पे गया हो, D2 पे इसने सेम मेथड फॉलो किया, और उसके बाद ये M2 पे गया, M2 के नीचे इसने ये पेस्ट कर दिया। तो अब देखेंगे कि मेरा ये दोनों डेटा एक ही मतलब कॉलम में मेरे पेस्ट हो गए हैं, राइट। तो मैं इसे फिर से रन करा के दिखाता हूँ आपको, तो देखिए दोनों के दोनों मेरे कॉलम यहाँ पे पेस्ट हो गए। तो हम दूसरी कंडीशन को एज्यूम करते हैं। अब दूसरी कंडीशन में यह है कि मेरा यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम है और यहाँ पे भी मेरा एक ब्लैंक कॉलम है, तो इस वाली सिचुएशन में मैं नीचे की तरफ नहीं लेके आ सकता हूँ। अगर मैं नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो मेरा आधा डेटा ही कॉपी होगा यहाँ पे, और जिससे कि मेरा पूरा डेटा पेस्ट नहीं हो पाएगा यहाँ पे, राइट। इस बार मैं L पे कॉपी कराता हूँ इसे, जिससे कि ये थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये कोड दिखने में थोड़ा ये काफ़ी लेफ्ट में चला जा रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट में। तो इसमें नीचे सब एक दूसरा एक सब रूटीन क्रिएट करते हैं, कॉपी पेस्ट क्वेरी टू। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि हमें पहले इस डेटा को देखना है कि ये कितना डेटा है, और इस डेटा के काउंट को हम दोनों को काउंट करना है, और जितना भी काउंट होगा उसको इसके नीचे पेस्ट कर देना है। तो एक वेरिएबल लूंगा मैं डिम आई एज अ इंटीजर, आई से पहले मैं क्या करूँगा कि सी में जितने भी मेरे पास कॉलम है, जितना भी डेटा है, मतलब ये मेरा 12 डेटा है, मतलब इसका काउंट आ जाए मेरे यहाँ पे, राइट। काउंट नहीं आए, मतलब मैं ऐसे करता हूँ कि इसमें दूसरा मेथड फॉलो करते हैं कि हम ऊपर से नीचे की तरफ तो आने में प्रॉब्लम है, तो हम ऐसे करते हैं कि हमारा मैक्सिमम डेटा कितना 14, तो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ से मुझे पता है कि मेरे पास हमेशा डेटा लेट सपोज कि 1000-2000 तक आएगा, तो मैं लिखता हूँ सी 10,000, 50,000 भी लिख सकते हैं आप, कोई वो नहीं है, सही 10,000 पे पहुँचूँगा जैसे ही मैं ये। एक्चुअली आपको जब आप अपना डेटा बना रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको खुद समझ में आ जाएगा। और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ आऊँगा, और फिर मुझे यहाँ इस वाली रो को काउंट करना है, जिससे कि मेरे ऊपर से, अगर मैं ऊपर से आता हूँ तो मेरा यहाँ पे स्टक हो जाएगा, और जिससे मेरी पूरा काउंट नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर ये वाला काउंट मैं ले लूँगा, राइट। टिम आई एज ए इंटीजर, और यहाँ पे लिखूँगा मैं सी
10,000 डॉट एंड एक्सेल अप, क्योंकि हम ऊपर की तरफ आएंगे यहाँ से, डॉट रो, राइट। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सी में कहाँ तक मेरा डेटा है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए मैं मैसेज बॉक्स में इसकी वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ कि कितना मेरा कॉलम में डेटा है। इसे रन कराते हैं, यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे क्यों, चेक करके देखते हैं। रेंज डॉट एंड एक्सेल डॉट रो, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे आई को मतलब डिफाइन नहीं किया था। आई इज इक्वल टू रेंज C1000 एक्सेल डॉट रो, मतलब आई में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो देखेंगे 14 रो तक मेरा डेटा है, ठीक है। मतलब मेरा एक का तो मेरा डेटा डिफाइन होगा, दूसरे का हम ऐसे करते हैं इतना काट देते हैं इसको, ठीक है। एक यहाँ पे ब्लैंक ही हमारा नीचे बॉटम में ही ब्लैंक है, इसका लिखते हैं सी डेटा, लिख देते हैं इसका नाम सी डेटा, मतलब सी कॉलम का डेटा, राइट। और फिर हम करते हैं डिंग डी डी डेटा, कुछ भी आप रख सकते हैं, इक्वल डिम डेटा एज अ इंटीजर, इसको भी इंटीजर डिफाइन कर देते हैं। डी डेटा इक्वल टू, मैं डी डेटा में मतलब देखूँगा काउंट कहाँ तक है मेरा, मतलब डी डेटा इक्वल टू रेंज, मैं डी 10,000 से नीचे से आऊँगा ऊपर की तरफ, डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, और यहाँ पे देखते हैं हम रन करा के इसे। तो देखिए इसमें 13 दिखा दिया इसने, मैंने इसके ऊपर अपना माउस रखा तो इसने दिखा दिया D13। तो मुझे ये दोनों डेटा पेस्ट करवाने हैं इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब इसका अपना काम करना स्टार्ट करता हूँ। रेंज C2 से मुझे कॉपी करना है टू सी, सी को फिर मैं ब्रैकेट से बंद कर दूंगा, एंड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि सी में मेरा सी डेटा मतलब मेरा यहाँ तक आएगा, CDTA डॉट कॉपी, राइट। अब मेरा ये डेटा कॉपी हो जाएगा और मुझे पेस्ट करना है L2 पे। रेंज L2 डॉट पेस्ट स्पेशल, राइट। तो मेरा L2 को मतलब जो सी वाला डेटा है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, सेम वही चीज़ करनी है मुझे। रेंज D2 से लेके D को यहाँ पे मैं डबल कोट से बंद कर दूँगा, एंड अब मेरा नंबर है उसका वेरिएबल का नाम है D data डॉट कॉपी, और ये मेरा पेस्ट होगा इसके नीचे। तो मैं इसे रन करा के दिखा देता हूँ, आधा यहाँ पे पेस्ट हो गया, मुझे इसके नीचे पेस्ट कराना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मेरा यहाँ पे डेट, ये वाला डेटा तो कॉपी हो गया डी वाला, तो मैं लिखूँगा रेंज D10,000, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा एंड एक्सेल अप देन ऑफसेट, एक कॉलम मेरा नीचे जाएगा और रो मेरी रहेगी सेम, तो मैं ज़ीरो डाल दूँगा डॉट पेस्ट स्पेशल। तो इसे रन करा के देखते हैं। इसने डी पे नहीं, सॉरी, इसे हमें करना था एल पे, इसे करना था हमें एल पे, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और इसे रन करते हैं यहाँ से। तो आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डेटा मेरा यहाँ पे पेस्ट हुआ है। नीचे मेरा बाइंडर और यहाँ पे जाएंगे बाइंडर, बाइंडर आ गया। तो अगर मेरे पास इस तरह का डेटा है तो मैं दोनों तरह के डेटा को, मतलब अगर मेरे पास कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं है तो मैं सिंपली, अगर मैं अब इस वाले को रन करूँगा तो मेरा आधा इतना डेटा आएगा और आधा इतना डेटा प्रेस आएगा, क्योंकि मैंने उसमें ड्रैग डाउन वाला वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो देखिए इतना आया मेरे पास, लेकिन मैं अगर इसी कंडीशन में अगर ये वाला यूज़ करता हूँ कॉन्सेप्ट, तो इसमें मेरा का पूरा पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा यहाँ पे।
ये इसके नीचे आ गया एक्चुअली। ये देखिए इसके नीचे पूरा आ गया डेटा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मतलब कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। इसमें अगर आपके पास डेटा इस तरीके से आता है उसमें कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं है, अगर आपको पता है कि ब्लैंक वैल्यू नहीं होगी तो आप ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। पहले सी टू में जाइएगा, सी टू के बाद जैसे इस तरह की वैल्यू है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो वाला ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जिससे पहले आप नीचे आएंगे फिर उसे कॉपी करके उसके नीचे पेस्ट कर देंगे। इसमें हमने दो अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन किया है, जो कि काउंट ले लेंगे कि हमारे पास एक्चुअली डेटा कहाँ तक है, फिर उस काउंट को उसके अकॉर्डिंगली कॉपी करके फिर पेस्ट वाले मेथड से उसको पेस्ट कर देंगे, राइट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इस पूरे कोड को कॉपी करके इस तरीके का डेटा बना के F8 F8 करके रन करवा सकते हैं, जैसे कि इस तरह से करवाएंगे। तो आप जैसे अपने वेरिएबल पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, राइट। डी डेटा में इतना है, सी डेटा में 14 है। जो ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास सी टू से सी सी डेटा, एक्चुअली हमारे पास मैं पहले भी इसको बारे में बता चुका हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बी टू, राइट। बी टू का मतलब बी एन टू, राइट, मतलब बी हमारा हो गया रो और टू हो गया हमारा कॉलम। तो सेम मेथड यही करते हैं, तो सी डेटा से कॉलम नंबर आ जाता है हमारे पास, और कॉलम नंबर मतलब ये तो हमारा काउंट आ जाता है, टू मतलब एक्चुअली काउंट होता है हमारे पास, राइट। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ई टू आ जाए, मतलब ई हमारा सॉरी ई हमारा कॉलम हो जाएगा, टू हमारी रो हो जाएगी, ये मैंने गलत बताया आपको। जैसे यहाँ पे ए हमारा हो गया कॉलम, टू रो, यहाँ पे आ गया एफ हमारा कॉलम हो गया, टू रो हो गई, यहाँ पे क्लिक किया जे हमारा कॉलम हो गया, 16 हमारी रो हो गई। तो हम सिंपली वही मेथड फॉलो करेंगे सी, फिर यहाँ पे सी ये हमारा कॉलम हो जाएगा, मतलब ये हमारा रो हो जाएगा, रो नंबर हमारे पास कितना है। अगर आप इसको मैन्युअली, अगर माइट भी हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि आप अगर मतलब फर्स्ट टाइम आप VBA के कोड को आप मतलब कर रहे हो VBA के थ्रू किसी भी काम को, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो आप सिंपली इस कोड को देखिए और F8 F8 करके इसे रन करेंगे तो आपको इसका पूरा मेथड समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।